जी तो दोस्तों, आज क्या इफेक्ट के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के वर्ड कम्युनिकेशन के तीन डिफरेंट मीनिंग को समझेंगे। देखेंगे कि वर्ड कम्युनिकेशन को एज अ नाउन कैसे यूज़ किया जाता है। इस पर्पस के लिए हम इंग्लिश में कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन को समझेंगे। ट्यूटोरियल कॉन्सेंट्रेशन से देखें क्योंकि फिर है एक एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का इफेक्शनल का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों, वर्ड कम्युनिकेशन का मीनिंग होता है संचार या फिर मवासलात। जब आपने एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन भेजनी हो या रिसीव करनी हो तो उसको कम्युनिकेशन कहते हैं। जिस तरह हम कह सकते हैं इंटरनेट कम्युनिकेशन या फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशंस, जब आप सैटेलाइट्स के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हों। इसी तरह जब आप एज अ पर्सन किसी के साथ बात कर रहे हों, कम्युनिकेट कर रहे हों, तो उसको भी कम्युनिकेशन करना कहते हैं। इसके अलावा इस कम्युनिकेशन का मीनिंग ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज़ होता है। जिस तरह हम कहते हैं कि इन दो कस्बों के दरमियान बस कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, इन दो शहरों के दरमियान रेल कम्युनिकेशंस बहुत अच्छी है। चले वर्ड कम्युनिकेशन को यूज़ करते हुए अब इंग्लिश में कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे हमारे पास पहला सेंटेंस है, यू नीड टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, कि आपको अपनी बातचीत करने की स्किल्स को बेहतर करने की ज़रूरत है। यू नीड टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। इसी तरह हम कह सकते हैं इंटरनेट इज़ द बिगेस्ट कम्युनिकेशन मीडिया, कि इंटरनेट जो है वो सबसे बड़ा मवासलात का, बातचीत करने का, एक इन जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन पहुंचाने का मीडियम है। इंटरनेट इज़ द बिगेस्ट कम्युनिकेशन मीडिया। इसी तरह हम कह सकते हैं कि वी आर इन कम्युनिकेशन विद देम। अब कहते हैं यार तुम्हारी बातचीत उनसे हो रही है या यार तुम लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे, तो मैं कहता हूँ नहीं, वी आर इन कम्युनिकेशन विद देम, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, हम उनसे इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इंग्लिश के वर्ड कम्युनिकेशन के डिफरेंट मीनिंग समझ आ गए होंगे। टाइम हुआ है एक्सरसाइज का, तो एक्सरसाइज के लिए आपने इंग्लिश के वर्ड कम्युनिकेशन को यूज़ करते हुए इंग्लिश में डिफरेंट सेंटेंसेस में से सिर्फ एक छोटा सा सेंटेंस चूज करके बनाना है और उसे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। अगर उस सेंटेंस में कोई गलती हुई तो हम में से कोई पॉइंट आउट कर देगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल की सपोर्ट के लिए और नई नई नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलेंगे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। अंटिल देन, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, गुड डे।